और जाने वो साथ मुझे
Deixa eu te informar, Dio Roma, que dá um minuto que o programa veio a dito. Dia que é certo que o bispo não me faz isso, não me faz isso. E bem, dia que é certo, chamá-lhe para já, que me levará. और आज भी इस प्रक्रिया के इंतजाम में किसी भी तरह फैसला लेने वाले तमाम दोस्तों और अहबाब को खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने वहाँ भी बैठ के कैलाश शहर पढ़ने की इस विशेष कैद मान तय तो इस तरह था आज की इस विशेष के हवाला से एक मुझे के ये कैसल के शिमाली पंजाब का जो मूल है जो ग्रियन है उसके इंतजाम हुए फिर जस्ता कुछ हस्ता से जे के कैसल के कुछ बुराग पश बात चला रहा है एक कार्यकारी कमेटी बनी थी वो भी कोई उस तरह भारत से उस कार्यकारी कमेटी की शीले न होगी साथ ये भी था कि आज की विशेष जो है वो एक जलसा की सूरत नहीं बल्कि एक तरबियत में विशेष के अंदाज में इसको आगे बढ़ाया जाए लेकिन सभी कुछ ऊपर तले रहा तरतीब से आगे पीछे रहा और मैं ये चूंकि खुद ऐसा भी चूंकि हम आपस में बैठे हैं और हमें खुद ऐसा भी के अंदाज में बात करनी होगी और हमारे अंदर जो खामियां जो कोताहियां जो गलतियां हैं उनका एहसास और एतराब करते हुए उन्हें दूर करने के लिए जो है इकदाम करने हैं मैं विशेष का इकदाम नारे तकारे और फिर गर्मी चलती है इसे मेरा नहीं ख्याल कि हम कामी तहरी का जो हम पे हक है और जो हमारा फर्ज है वो हम बात ऐसा अदा करने में अपना किरदार अदा कर रहा है मोहतरमा बाप मैं जो एक बुनियादी बात जो कि आइडियोलॉजी की बात है वो करके आगे बढ़ूंगा और तंजीमी हवाले से बात करूंगा बिलखसूस जो है जे के एस एल एस का जो तंजीमी बुरान है उस हवाले से आपसे अपने ख्याल शेयर करूंगा और आपने आपसे तजावीज देने की कोशिश करूंगा पहली बात ये कि मुझे यहाँ बैठे इजिप्ट के उसके सवाल था बाकी की तरतीब में होगी कि जो कश्मीर कश्मीर का कानी सवाल था उसकी वजह थी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो मसला कश्मीर है जो कश्मीर का सवाल है उसको ये कि एसएल है उसको कैसे देखता है मुख्तसर मैं जो आपके सामने बात करना चाहूंगा वो ये कि नया जम्मू कश्मीर जो 84,471 मफामीन पे मुश्तमिल है जो बदकिस्मती से तकसीम है पारा पारा है टूटे टूटे है उसकी वैदर मुंतसिम है जम्मू वादी कश्मीर लद्दाख गलगित बल्तिस्तान और ये पाकिस्तान के नाम कश्मीर है ये उससे जिसने जिसने लाल थे यानी ये एक चीज
वो जान के मुकद्दस एजाज का नाम है। और ये पांच ऊंट पे मुश्तक जो है 84,471 मरबा मील पे मुश्तक जो गया था, जिसकी वैदत तकसीम है जे के लफ जो है इस मुंतसिम वैदत जो रियासत है इसको खत्म करके इसकी यकजहती को कश्मीर का सवाल समझता है। जे के लफ जो है वो जे के असल जो है इस मुंतसिम वैदत और रियासत की तकसीम को मिटाकर इस 84,471 मरबा मील पर एक आजाद और बावकार मुरक बनाने की जो कश्मीर का नामी सवाल समझता है। जे गैलत जो है इस 84,471 मरबा मील में बसने वाले शायद तक चूंकि नया जो सेंसस हुआ है इंटरनेट कश्मीर में उसके तनाजर में बात करूंगा कि अब शायद तकरीबन 2 करोड़ तक पहुंच गए जम्मू कश्मीर की जो आबादी है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है अब के इन 84,471 मरबा मील के अंदर बसने वाले जो 2 करोड़ तकरीबन 2 करोड़ इंसान हैं, जो मुस्लिम मजहब के मानने वाले हैं, जो मुस्लिम मजहब के प्रचार करें, जो मुस्लिम नजरों से पता करते हैं, जो मुस्लिम इलाकों से पता करते हैं, जो मुस्लिम बरादरियों से पता करते हैं, उन तकरीबन 2 करोड़ इंसान को एक काम का बराबरी की बुनियाद को फर्क समझते हुए जो बेरूनी जबर है वो दिल्ली सरकार का जबर है, वो इस्लामाबाद के बादशाहों का जबर है, उस जबर से आजाद कराकर हर तरह के इस्तेसाल से पाक एक ऐसा खुशहाल और बावकार माशा कश्मीर देना कश्मीर का काफी सवाल समझता है। जिस माशरा के अंदर जो है हर इंसान को इन तकरीबन 2 करोड़ जो इंसान है फिर कहूंगा उनका मजहब क्या है, उनकी नस्ल क्या है, उनका इलाका क्या है, उनका कबीला क्या है, उनकी बराबरी क्या है, रियासत के बराबरी की सदा के शहरी होते हुए उस इस्तेसाल से पाक आजाद समाज के अंदर जो है उनको उनकी मेहनत के मुताबिक आगे बढ़ने के मौके आया हूं, उनको उनकी सलाहियत के मुताबिक आगे बढ़ने के मौके में आया हूं। जे के अलग जो है कश्मीर का कानी सवाल यह समझता है कि इन तकरीबन 2 करोड़ इंसान को जीने की जो बुनियादी जरूरियात है, जान के तहफ्फुज़ की, माल के तहफ्फुज़ की, इज्जत के तहफ्फुज़ की, तालीम की, सेहत की, ये सारे जरूरियात की सारी सहूलियात मुहैया करना उस 84,471 मरबा मील पर कायम होने वाली उस बावकार और कामिल रियासत की जिम्मेदारी को कि हर एक को आगे बढ़ने के एक जैसे मौके मुहैया किए जाए, ये अलग जो है और यही नजरिया, यही सोच, यही फिक्र, यही कसम, यही इरादा मकबूल भट्ट का और इसी के लिए शोले मसलतन कायद तहरीक अमानुल्लाह खान की और इसी के लिए हजारों नौजवान बेटे नाश हुए। मेरे मोहतरमा बाप, ये है बुनियादी तसव्वुर कामी आजादी का, कामी जमहूरी इंकलाब। कामी जमहूरी इंकलाब क्या है? कामी जमहूरी इंकलाब इन्हीं मकासद के उसूल का नाम है। और जब हम कहते हैं कामी जमहूरी इंकलाब तो हम उन साथ को कहते हैं, उन साथ से कहते हैं जो इस बात पर मुतफिक हैं
कि रियासत के कागज जो गैर मुल्की छूते हैं उनको रियासत से बाहर बुलाया जाए, उनसे रियासत के चप्पे चप्पे को रियासत एक के बीच बाजार करवाया जाए। बेशक जिस तरह विशारद के मजहब साहेब ने कि वो रियासत को अगर एक सोशलिस्ट मुल्क बनाना चाहते हैं, रियासत को इस्लामी जमहूरिया बनाना चाहते हैं, या हमारी तरह हम रियासत जम्मू कश्मीर को एक जमहूरी वफाकी हकीकी मानों में वफाकी सेकुलर और निष्कामी का हम एक ऐसा मुल्क ऐसे रियासत बनाना चाहते हैं जिसकी तरह मैंने पहले इशारा किया कि वो वेलफेयर स्टेट होगी, फिर जो वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं जे के की तरह वो जो सारे में जो कहता हूं गांधी जमहूरी इंकलाब गया है कि वो जो सारे इसको क्या बनाना चाहते हैं क्या नहीं बनाना चाहते, लेकिन इस बात को कुछ भी कहें कि रियासत के अंदर से जो बैरूनी रियासत है, जो बैरूनी कागज है, जिन्होंने हमारी शिनाख्त मिटाया हुआ है, जिन्होंने हमारी पहचान में सकी हुई है, जिन्होंने हमारे कश्मीर का खून किया हुआ है, उनको कश्मीर से बाहर मंगाया जाए, उनसे कश्मीर के कश्मीर कश्मीर के जो कब्जा है वो छुड़वाया जाए, कश्मीर के जो सारे कानून सारे कश्मीर का जो पानी है, कश्मीर की जो मदनियात है, कश्मीर का जो खजाना है, कश्मीर का जो यूरेनियम है, उस पे जो है ज्यादा हो, जम्मू कश्मीर के लोगों का, जम्मू कश्मीर के लोग उसके इजारा से इस्तफादा करते हुए उनको उनसे उनसे अपने 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 कानी कानी गुर्बत कानी जालत कानी नाउमत के दूर करने के लिए जो है उन सारे को जो कुदरत ने कश्मीर के ऊपर आए किए हुए उन पे कश्मीरी अपना हक अपना प्यार इस्तेमाल करके जो है उस गुर्बत जहालत और गुलामी की जो लान है हम सतर्क उनको दूर करें। मैं कहता हूं जो इन बुनियादी बातों के मुताबिक है उन्हें कभी जमहूरी इनकलाब इस जिदोजहद में जिस जिदोजहद का सरखेज जे के एफ है और जिस जिदोजहद का बड़ा नाम मकबूल भट्ट है और जिस जिदोजहद का बड़ा नाम अमानुल्लाह खान है उनको अपने आप इस जिदोजहद के साथ जोड़ना हो क्योंकि सेहत की कोई बात नहीं करता है, जो इस सेहत की कोई बात करता है वो महज अफसाना नजारी करता है, वो महज चाहते या ना चाहते हुए साम्राज्य की दलाली करता है, कामी तहरीक को कंफ्यूज करने के लिए जो है अहमान पैदा करता है, वो कोई क्यों नहीं है, मेरा बाप भी क्यों नहीं है, वो कामी मुजरम है। और मुझे कहने दीजिए, मैंने लंदन में भी कहा, मैंने बरतानिया में भी मिला, मैंने कहा वहां अपने दोस्तों वहां भी ये बात चल रही थी, जानी थोड़ी के काम प्रेस ऐसे काम प्रेस जो मकबूल भट्ट की अवामी में सदा जब जो कुछ दहशतगर्दी कहते हैं वो काम प्रेस जो हालात पाकिस्तान की मानुष शिक पसाय करके इस नाम नाथ जमुनी में पैसा बनना चाहते हैं वो काम प्रेस करा रहे हैं और वो जो इंडिया या पाकिस्तान की एजेंसी की तरफा के साथ करते हैं वो काम प्रेस करा रहे हैं। मैंने कहा था साफ से बात हो सकती है, साफ से बात हो सकती है, मैं उससे बात हो सकती है, उसको साथ मिला के चला जा सकता है जो इंडिया के साथ जाना चाहता है, लेकिन किराए पर चढ़कर नहीं अपनी ध्यान अपनी सूझबूझ अपनी समझ के मुताबिक ज्ञानदारी के साथ ये समझता है कि कश्मीरियों का मुफाद जो है इंडियन यूनियन का हिस्सा बनने में है, या जो अपने 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 ध्यान के मुताबिक ये समझता है कि कश्मीरियों का मुफाद जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनने में है, ना ही ऐसे कैसे लेता है, ना ऐसे कैसे लेता है, उनके साथ मिलकर चला जा सकता है। इस बुनियाद पर कश्मीरियों के हक इकतरा देने के लिए कि कश्मीर फैसले ही तो इंसान फैसला करे कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या हो, कश्मीरियों को कैसे रहना है, लेकिन उनसे मिलकर नहीं चला जा सकता जो खुद मुख्तार कश्मीर की बात करता है, लेकिन इंडियन रुपया जो है उसने उसका जमीन खरीदा है या पाकिस्तानी रुपये ने उसका जमीन खरीदा है, उसकी जोर का या सही के आप नहीं है, उसकी जो उत्तर के आप है, लेकिन नमूने की प्रेशर के लिए उत्तरी तहरीक को कंफ्यूज करने के लिए खुद मुख्तार कश्मीर की बात करता है। मेरे मोहतरमा गांधी तहरीक में ऐसा होता है, इसलिए होता है कि जिस बालादस्त के खिलाफ हम बस्तर पैकार हैं, जिन
जिसे हम आजादी की बात करते हैं, वो जिनके खिलाफ हमने बंदूक भी उठाया, जिनके खिलाफ हम सियासी पार्टी और असली मार्ग पर प्रसरित जयकार है, मीडिया के मार्ग पर प्रसरित जयकार है, वो कुत्ते अपने शहर अपने ताकत अपनी हिलादी की बुनियाद पर जो है हमारे तरीके को मजबूत करने की कोशिश करे, सामने से आएंगे, हम कंफ्यूज नहीं होंगे, आवाज कंफ्यूज नहीं होगी। ये जो आपकी सफर में जो टेरिस्ट है उनको पकड़े से टेरिस्ट पैदा किए गए, गांधी आजादी की तहरीक में पैदा किए गए, जय की अलग तहरीक में पैदा किए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्यादत के मजबूत असाब के बाय वो जो खतरा थे वो वक्त के साथ कस्बा होते रहे, कस्बा होते रहे और हम आगे बढ़ते रहे, और हम दुष्कृत में दुष्ट अंदाज में आगे बढ़ने जा रहे। तो इस उसके जो मेरी आपसे बेखसूस नौजवान से कानी आजादी की तहरीक में नौजवान का किरदार बड़ा है, बहुत हद तक फैसला हुआ है, शोर मौजूद हो उस नौजवान के लिए मैंने आपने मिलकर काम करना है। मैं और आप, मुझे यकीन है, मैं पूरे उससे कहता हूं कि ये जो नीचे नौजवान बैठे हैं इनमें से किसी ना किसी की जिंदगी में कश्मीर हर तरह का आजाद और मुख्तार हो, मेरी जिंदगी में होता नहीं होता, अमान साहब की जिंदगी में होता नहीं होता, लेकिन ये कैसे क्यों होगा, कब होगा, जब नौजवान अपने आप को मुनज़्ज़म करेगा। और नौजवान मुनज़्ज़म कैसे करेगा, नौजवान इलाकाई से ऊपर आएगा, नौजवान की विलायत से ऊपर आएगा, नौजवान पसंद और नापसंद से ऊपर आएगा, नौजवान आजाद ख्याली से ऊपर आएगा, नौजवान जो है नाराबाजी के जो 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 वो है ना उससे क्वेश्चन सा उससे अपने आप को ऊपर लाए, नौजवान अपने आप को जिम्मेदार के तौर पर पेश करेगा, और दुनिया जाने जितने भी इंकलाबी और आजादी पसंद पैदा हुए जिन्होंने काम को लीड किया, अपने काम को इस्तेसार जुल्म से निजात दिलाई, इंकलाबी से निजात दिलाई, उनकी इब्तदाई तरबियत तालीमी अदार हुई हुई नौजवानी के दौर में, और उन्होंने अपने आप को नौजवान इसी नजर के अंदर रखा, जरूरी है रहनुमाई के लिए राहबरी के लिए कि अपने आप को एक नजर के अंदर दिया जाए, अपनी जाती ख्वाहिशात को कुर्बान किया जाए, और ये जो चीज जो आजाद ख्याली है हमारे अंदर जिम्मेदारान की हद तक उस आजाद ख्याली से छुटकारा आ सकता है। ऐसा आज नौजवान क्या कहता है, मेरे आज नौजवान ये कहता है जो जब तलबा सियासत को वैसे ही खत्म है आजाद कश्मीर पाकिस्तान में, लेकिन ये सुन के मेरे पांव के नीचे से जमीन निकली गई। नौजवान ये कहता है कि जनाब बाकी तलबा तंजीमें जो हैं, बाकी तलबा तंजीमों को आपकी तलबा तंजीम का नौजवान जो हमें छोड़ता है, हमें छोड़ के जा रहा है, कहता है कि बाकी तलबा तंजीमों को जनाब पैसे मिलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पैसा देती हैं, यहां तक कि उनके लजाती जो अखराज हैं उसके लिए भी, तो ये जो जे के असलत है, ये जो जे के अलग है, ये तो ऐसा नहीं कहता हूं कैसे और क्यों इसमें है, ऐसे नौजवान की ना जी के अलग जरूरत है ना जी के सर। अब मुझे बताइए जो मैं सिर्फ आज आजकल जो ज्यादा दौर इसलिए जो आजाद कश्मीर में वो इलेक्शन का वो है उसकी अपनी वो है, उसमें भी कोई लायक आ गई इलाकाइयत आ गई, मैं कहता हूं किस तरह शानदार बात है मेरे लिए, मैं अपने लिए मैं कहता हूं आज जम्मू कश्मीर के सारे लोग जो है मेरे जो अभी कहा कि ये जो सारे लोग इलाके कबीले नस्लों नजर उससे बारह होकर एक काम के बराबरी की बुनियाद पर फर्द है, मैं उनकी आजादी के लिए मजबूर में उस काफले कर रही हूं जिस काफले के सलाम मामला खान मकबूल बट गए हैं, एक जान ले ली दूसरे सारी जिंदगी वक्त कर ली, लेकिन जब मेरा कष्ट आया मेरा कष्ट ना दिया अंदर से मेरे अंदर मेरे देख के लिए असुंदर इज्जत का खुद जो है वो पढ़ रहा हो किसी के अंदर जो है चाहे चलो हो रहा किसी के यहां जरा उस
स्पष्ट रूप से खड़ा हो तो ये साथ क्यों है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप से आप जो यहाँ मौजूद हो, आप जो रोजमान आप सो बार सोचो बात आपके फिर सोचो। मैंने जो महान साहब ने मुझसे पहले और बाद में बात जे कहते थी बेसिक बात कहते थी के जो अहम बात है आपके सामने रखी, आप सो बार सोचो कि आपका कल जब इस स्टेज जो आपके स्टूडेंट लाइफ है इससे बाहर होंगे आप कैसे आप किस नजरिए पे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, चला सकते हो, इसकी वजह से कारण रह सकते हो। नौकरी का मसला नहीं होगा, हालांकि होता नहीं, वैसे मुसलमान हमारा ईमान है जो हमारे नसीब है वो हमें ऐसे तक मिलना है। सारी ताकतें मिल के आप मुसलमानों के लिए लेकर काम, वो कहते हैं ना जई तनकादी की बुनियाद पर और गलानी की जो असरात है उसकी बुनियाद पर, और बहुत सारे मसाइल आपको गलानियों का मसला भी होगा। उन बुद्धों के सामने अगर मैं आज महसूस करता हूं कि मैं खड़ा नहीं हूं, मेरे पास महसूस करने का वक्त नहीं, आपके पास वक्त है, क्योंकि मैं आज महसूस करके इधर उधर होता हूं तो आपका यह फर्ज बनता है, आपका यह फर्ज बनता है नौजवानों और आपसे पहले बहुत सारे नौजवानों का यह फर्ज बनता है कि मुझे निशान इधर बनाना। इसलिए मैं एक को मैं जो कहता हूं, मैंने एक को अपनी बूढ़ी मां की पाशाक को कुर्बान किया, मैंने अपने बच्चों की उसको को किया, लेकिन सबसे बड़ा मैं कहता हूं जो मैंने किया वो ये किया कि मैंने बहुत सारे नौजवान को हजारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में नौजवान को इस ट्रैक पे लाया, और इस ट्रैक पे लाने के बाद मैं इससे बदल जाता हूं ये फर्ज बनता है कि वो मुझे निशाने किधर बना और मेरी तरह का कोई और भी है उसको भी निशाने किधर बना देना चाहिए। इसलिए क्या कि सब कुछ झूठ था, ये सब कुछ फराड था, तो ये कोई मुझसे पूछे 40-50 साल में क्यों चेक मार रहा, क्यों उसको भी वो किया और आप लोगों को बहुत सारे नौजवानों को भी किया। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं आप सो बात जो आपके पास है अभी आप इब्तदाई मुस्लिम, आप सो बार सोच रहे हैं कि आप किस नजरिए के साथ अपने आप को सारी जिंदगी जोड़े रख सकते हो नहीं रख सकते, इसके लिए हर तरह की कुर्बानी दे सकते हो नहीं दे सकते। अगर आप कहीं जुनून महसूस कर रहे हो आज आपके पास वक्त है, कल आपके पास वक्त नहीं होगा। जैसे मैं आज कह रहा हूं मुझे ऐसे कद पीछे आने वाला है और आप जो भी इधर हो जाए वो निशानी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आप सोच के समझ के, क्योंकि ये समझने की बात है, आपकी उम्र समझ नहीं, आपकी उम्र सीख नहीं, आप सोच के कामी मुस्तकबिल के लिए अपनी राह का कायम करें और उस पर फिर जो है चट्टान की तरह कायम। और मैं ये बात भी आपसे कह रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सैकड़ों हैं, आप हजार में, आप लाख में, फर्क जिस बात से पड़ता है वो ये है कि वो जो सैकड़ों हैं या गिने चुने उनकी अपनी आइडियोलॉजी के साथ अमेंडमेंट कितनी गहरी है, कितनी साले है, उसके लिए वो कुर्बानी की किस हद तक जाने के लिए तैयार है, जान देने के लिए तैयार है, और फिर जो मासूम जज्बों की कुर्बानी जो मैं कुर्बान के हवाले से कहता हूं, अपने बेटों के मासूम जज्बों की कुर्बानी दी, फिर जो मैं कहता हूं जो बहुत मैं ये बात इस महान साहब यहां मौजूद है इनकी मौजूदगी में मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सारी जिंदगी में ना एक ही बात पे चलना है, दिमाग ये नहीं होता कि दिल की उसको मिलकर ही मना किया जाए, लेकिन दिल अपने तौर पर कोई दुनिया नहीं है और दिमाग अपने तौर पर कोई दुनिया नहीं है,
ये समझ लेना चाहिए जे क्या पालन को भी हो जे कैसे ना पालन को। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जे के एसएलएफ के कारकुनान के साथ था जो जे के एलएफ के जिम्मेदारान ने जान जान है जो कारकुनान है जे के एलएफ के अपनी अपनी लोकेलिटीज में अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने अपने इलाकों में जहां कहीं भी वो है जहां तालीमी अदारे हैं कश्मीरी तलबा मौजूद है इनके साथ कश्मीर में जम्मू है क्या कश्मीर के जो पाकिस्तान है वो कश्मीर है गलत पाकिस्तान है या पाकिस्तान के जो तालीमी अदारे जहां सदर की ज्यूरिस्डिक्शन जहां तक जाती है जहां भी जे के एल एफ का कार्यक्रम मौजूद है उसको हर सूरत में जो है वहां जो तालीम है उससे रब्ता करके उसको जे के एल एफ के अंदर लाने की कोशिश करें। हर सूरत कोशिश की मैं बार बार कह रहा हूं हमें जनाब हमें जो 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 कारोबार करने वाले लोग हैं इनमें से कोई नहीं मिलेगा हमें मुद्रा से कोई चूंकि मुफार पर जो जो वैसे भी मेरे मुखला जो मेरी अपनी कम्युनिटी है लेकिन ये कि जो अपनी जिंदगी में लोग हैं